आप रसुलपुर गांव में एंट्री लेते हैं तो रसुलपुर गांव में जैसे मुजफ्फरपुर जिले में खुल चुका है बिहार का पहला फिल्म सिटी। आपको सिंगर चाहिए, आपको स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, आपको डायरेक्टर चाहिए, आपको प्रोड्यूसर चाहिए, लाइट कैमरा एक्शन जितनी भी चीज़ें चाहिए फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। ये वर्टेड जो होम है रूम आप इसको देख सकते हैं। Hey guys, welcome back to Nitish Rathore's blog। और आज के ब्लॉग में कुछ होने वाला है बिल्कुल खास, ऐसी जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि लिटरली ये मुजफ्फरपुर जिले की ही बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग गुजर रहे थे यहाँ से और ये लोकेशन है रसुलपुर गांव जो कि मेडिकल रोड में पड़ता है, वहाँ पे रसुलपुर गांव से हम लोग गुजर रहे थे तो यहाँ पे देखने को चीज़ मिला जिसको कि आप इधर देखें तो ये आपको मैं बताऊँ, ये है वसंत पैलेस जिसको मोस्टली बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स अगर आपको कभी बताए भी होंगे तो बताएंगे कि यह वसंत पैलेस जो है ये एक विवाह भवन खुल रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल विवाह भवन के तौर पे बनाया जाने वाला बिल्डिंग नहीं है। तो बने इस ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं बताते हैं वसंत पैलेस के बारे में ऐसी बातें जिसको कि बताया गया है कि विवाह भवन है जो कि बिल्कुल भी विवाह भवन नहीं है। आपको लेके चलते हैं और बताते हैं इसके बारे में बहुत सारे खासियत। तो बने इस ब्लॉग में आगे कंटिन्यू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं द वसंत पैलेस। आप रसुलपुर गांव में एंट्री लेते हैं तो रसुलपुर गांव में जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो वहां पे विनय विहार जो है वह एक मोहल्ला है। विनय विहार मोहल्ले में जब आप आएंगे जहां पे आप आएंगे और यहां पे आपको मिलेगा द वसंत पैलेस। और वसंत पैलेस को बहुत सारे लोगों में ये हल्ला है, चर्चा है कि ये भाई ये काफ़ी बेहतरीन विवाह भवन बनने वाला है जो कि बिल्कुल फॉल्स बात है। आइए हम आपको आगे बताएंगे कि एक्चुअली में जो ये यूनिट है वो किस तरीके से काम कर रही है और कितना कुछ इनका विजन रहा है इसको बनाने में। आगे पीछे जो आप जो गेट जो देख रहे हैं अगर आपको याद हो इस तरीके से मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊँ, ये जो गेट आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं देखा हुआ गेट मुझे लग रहा है, शायद ये गेट जो है ये अगर आप कभी राष्ट्रपति भवन घूमे हो तो वहाँ पे इस तरीके से आपको गेट देखने को मिलेगा। हमारे साथ ट्रिप पे आकाश भाई थे, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है और हम लोग वहाँ पे गए थे तो राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से गेट को बनाया गया था उस तरीके से ही उसको यहाँ पे कॉपी किया गया है। तो ये बिल्कुल पॉइंट है, क्या बोलते हैं आप लोग? बहुत अच्छा है, आप लोग आइए एक्सप्लोर कीजिए, एकदम राष्ट्रपति भवन का कॉपी किया हुआ गेट है। मेन गेट को बिल्कुल राष्ट्रपति भवन की तरह कॉपी किया गया है। इसमें जानने वाली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताते रहूंगा इस ब्लॉग में आगे। तो आगे ये लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि वसंत पैलेस कितना खास होने वाला है आप लोगों के लिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं वसंत पैलेस को, हम लोग कर रहे हैं एक्सप्लोर और साथ ही साथ मेरे लिए भी रोचक बात है कि मैं पहली बार जब यहाँ पे आया हूँ तो मैं खुद ही हैरान हो गया हूँ। बहुत सारे बच्चों से सुना था कि भाई एक बहुत ही बेहतरीन विवाह भवन खुल रहा है, विवाह भवन इतने बार ये वर्ड रिपीट हो गया है विवाह भवन कि ये मुझे भी लगता था कि विवाह भवन ही खुल रहा है। लेकिन आप सभी को मैं बताऊँगा कि बताते चलूँ कि ये विवाह भवन नहीं है बल्कि ये मुजफ्फरपुर ज़िले में बिहार का सबसे पहला फिल्म स्टूडियो खुल चुका है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव बात है अभी तक कि मुजफ्फरपुर ज़िले में खुल चुका है बिहार का पहला फिल्म सिटी और यहाँ पे ये फिल्म स्टूडियो बन चुका है जहाँ पे और क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं उसको हम बताएंगे आगे। तो उससे पहले आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की कुछ खूबसूरती और करते हैं आपसे बहुत सारी बातें। निकल रहे हैं वसंत पैलेस में, हम लोग आए थे और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा है, काफ़ी अच्छा है वसंत पैलेस और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी गाड़ी निकल रही है, देख सकते हैं कि आप काफ़ी अच्छी गाड़ी तो है, अरे तो स्टेयरिंग ही नहीं है। तो गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये झूला है वसंत पैलेस का और यहाँ पे इसकी खूबसूरती को कितना बेहतरीन बनाया गया है, नैनो के पोर्शन को काट के रखा गया है और झूला आपके लिए बनाया गया है। ये जब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी तो ये काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ये मैं जब यहाँ पे आया तो काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे नैनो को काट के ये झूला बना दिया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे। आज हम लोग चल रहे हैं इस वसंत पैलेस को, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की खूबसूरती और इसके बारे में बहुत सारा कुछ। यहाँ पर जो मुझे एक हेड मिले हैं भैया उनसे बहुत कुछ हमने बातें करी, उन्होंने बताया है बहुत कुछ, काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है मैं उनसे निकालते चलूँगा और आप सभी को बताते रहूँगा। तो चलिए झूले से उतरते हैं, ये थी हमारी छोटी नैनो जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठा था, अभी लेके चल रहे हैं आपको वसंत पैलेस पे। काफ़ी अच्छा लगा ये हमें वसंत पैलेस, आप भी आइए और ये झूला का मज़ा लीजिए। देखिए इसमें काफ़ी कुछ नया है और नया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये फिल्म स्टूडियो मुजफ्फरपुर में बिहार में पहली बार इतना बड़ा और इतना भव्य देखने को हमें मिल रहा है। कुछ यूनिक करने का इनका प्लान है,
और कुछ यूनिक कर रहे हैं। देखिए नैनो को काट के झूला बना दिए हैं। आपको कुछ शहर से अलग हटके मिलेगी, शहर से कुछ अलग आपको यहाँ पे मिलेगा। गेट जैसे देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन का कॉपी किया हुआ है। अंदर में भी बहुत सारे चीज है जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉपी किया गया है और बहुत अच्छा है। इसको मतलब कुछ अलग दर्शाए हुए हैं, कुछ अलग बनाने का ट्राई किए हुए हैं। बिहार में पहला बार आपको देखने को मिलेगा ये वसंत पैलेस में। तो चलिए आप सभी को लेकर चल रहे हैं अंदर हम लोग वसंत पैलेस पे। और यहाँ पे आपको बताते चले क्लियरली कि ये जो एक फिल्म स्टूडियो की तरफ इसको बनाया जा रहा है वसंत विहार, वसंत पैलेस को। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टर हैं, या फिर आप प्रोड्यूसर हैं, या फिर आपको ये स्क्रिप्ट मूवी बनाना है, आपको फिल्म बनानी है, आपको सिंगर चाहिए, आपको स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, आपको डायरेक्टर चाहिए, आपको प्रोड्यूसर चाहिए, लाइट कैमरा एक्शन जितनी भी चीज़ें चाहिए फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। ये बिल्कुल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इस टाउन के हिसाब से। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ जो हैं कि बिल्कुल लोग जानते ही नहीं कि ये एक फिल्म स्टूडियो के तौर पे बनाया जा रहा है। यहाँ पे इनके पड़ोसी लोग को भी ऑलमोस्ट पता है कि ये चीज़ें भाई जो है कि विवाह भवन के तौर पे, बिल्कुल यहाँ पे बैंक्वेट हॉल है, लेकिन मेन एजेंडा जो है, मेन पर्पस जो है, वो सिर्फ वो नहीं है। मेन पर्पस जो है कि ये एक फिल्म स्टूडियो की तरह इसको बनाया जा रहा है और आपके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पे आगे लेके चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे फिल्म स्टूडियो एल्बम शूटिंग से लेके मूवी शूटिंग के पहले से लेके किस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टूडियोज होंगे, जो सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग का जो स्पेस होगा उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिल्म स्टूडियो के बाद आपको लेते चलेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से सॉन्ग एडिटिंग से लेके एडिटर्स होंगे, वीडियो के लिए आपको वीडियोग्राफर्स, जितने भी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, हर एक चीज़ एक पॉकेट है जिसके अंदर सब कुछ है। जो आप वसंत पैलेस के हिस्से को देख रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे आपको हम दिखाने वाले हैं कि जो इनका बैंक्वेट हॉल जिस तरीके से आप देखते होंगे कि इमेजिन करते होंगे कि हाँ यार बैंक्वेट हॉल किस तरीके से होना चाहिए, और इतना भव्य है कि आप जब लिटरली में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे तो आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि इस तरीके से इसको बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और ओवरऑल लाइटिंग का कॉन्सेप्ट देखें तो जिस तरीके से इनका लाइटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूनिक है। इस टाउन में पहली बार मैं ऐसा बैंक्वेट देख रहा हूँ जो कि इस लेवल पे लाइट को उस तरीके से लगाया गया है। आपको मैं बोलूँगा कि एक बार रूफ को दिखाया जाए, आप समझ जाएंगे किस तरीके से, कितने कॉन्सेप्ट से इस चीज़ को बनाया गया है। ये लाइटिंग कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही भव्य है इस टाउन के हिसाब से। आइए अब यहाँ पे बैंक्वेट हॉल में जिस तरीके से आप ऊपर की तरफ आएंगे तो ये एक लैडर बनाया गया है जो कि काफ़ी यूनिक स्टाइल है यहाँ पे। और जितने भी आपके बैंक्वेट हॉल में जितने भी फंक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके काम होंगे वो सब कुछ के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा रहा है। ये एक बैंक्वेट का जो पोर्शन है ये सिर्फ व सिर्फ शादी वगैरह इन सब चीज़ के लिए आप इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। जितना भी ये इतना बड़ा है कि एक टाइम पे 7 इवेंट्स यहाँ पे एक साथ हो सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा है ये वसंत पैलेस। 7 जो है कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं कि एक साथ में 7 इवेंट को ये मैनेज कर सकते हैं, इनका इतना स्पेस है, इतना कैपेसिटी है इसमें। तो ये बैंक्वेट हॉल को अगर आप यहाँ से पीछे की तरफ से आप देख रहे होंगे तो ये काफ़ी भव्य है, काफ़ी भव्य है। अभी चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ कुछ छोटी मोटी बुकिंग सभी ली जा रही हैं, लेकिन ये जितना बड़ा है और जितनी चीज़ें हैं 7 इवेंट एक साथ मैनेज कर पाना ये वसंत पैलेस के लिए काफ़ी बड़ी बात है। ये बैंक्वेट हॉल था, अभी लेके चलते हैं आपको ऊपर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक समय आने के बाद ये एक मिसाल होने वाला है। तो जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, जैसे ही आप वसंत पैलेस को मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे ही आप मिड पे आते हैं, जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो ये काफ़ी भव्य बनाया गया है। डुअल साइडेड दोनों तरफ से ये ऊपर जाने का ये लैडर्स बनाया गया है, ये काफ़ी बेहतरीन है। ये मोस्टली इस जगह को पैलेस नाम दिया गया है तो बिल्कुल डिजर्विंग नाम दिया गया। सो ये प्लेस इस तरीके से इतना भव्य है, इस लेवल पे इसको बनाया गया है कि गैंग्स ऑफ गुलाब जो कि बिहार पे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पे बनाई जा रही मूवी है उसमें इस जगह पे शूट किया गया है। और अभी हम लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसको डिटेल करते हुए ये सीढ़ी का जो खूबसूरती था जिस तरीके से बनाया गया था मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। आइए पूछते हैं कितना कुछ बेहतरीन हो सकता है यहाँ पे और क्या क्या और भी डिटेल्स हैं। अभी पीछे की तरफ पार्क है, बहुत बड़ा सा हिस्सा है पार्क का जिसको भी हम लोग दिखाएंगे। अभी आते हैं पूछते हैं बारीकी से एक चीज़। अभी तक हमने सिर्फ आपको
बैंक्वेट दिखाया, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और बहुत सारा कुछ आपको आपके बताने के लिए है। चलिए तो जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री लेते हैं तो लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिला था कि आप देख रहे थे कितना भव्य बैंक्वेट था, और जैसे ही आप राइट साइड की तरफ टर्न करेंगे तो ये आपको मैं दिखाऊँ, ये एक थिएटर बनने वाला है। ये एरिया जो है बिल्कुल थिएटर के लिए रखा गया है, और आप थिएटर का जो एरिया है इस थिएटर के एरिया का आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे अंधेरा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दिख रहा हो, क्योंकि ये अभी बिल्कुल कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो यहाँ पे ई रिक्शा लगा था, इसकी मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो ये जो एरिया जो होने वाला है ये बिल्कुल आपको थिएटर का एरिया होगा, और काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पे सामने की तरफ आप देखें किस तरीके से यहाँ पे ये स्टेज वगैरह बनाने का प्रोसेस किया गया है। ये बिल्कुल स्टेज वगैरह का जो चीज़ है ये वसंत पैलेस का जो खूबसूरती है। और यहाँ पे एक ओपन थिएटर को बनाया जा रहा है, ये थिएटर है। और यहाँ पे आप जितना भी चीज़ अगर से आपने वीडियोस बनाई हैं, शूट किया है, कुछ भी किया है, वो सभी चीज़ आप एक थिएटर पे, यहाँ पे जो थिएटर है उसमें आप देखेंगे कि आपने क्या बनाया है, क्या कुछ बनाया है। तो ये काफ़ी भव्य है। आगे आपको लेके चल रहे हैं, वीडियो शूटिंग एरिया जो है जितने भी ऊपर में है, वो वीडियो एडिटिंग का जो पोर्शन होगा वो सब कुछ ठीक इसके ऊपर की तरफ है। आगे इनका एक भव्य कैंपस, उसमें हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं बहुत सारी कुछ। जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वसंत पैलेस के कैंपस को, और लिटरली मैं आपको बताऊं कि पीछे का जो एरिया जो देख रहे हैं ये नॉर्मल काफ़ी बड़ा ही हिस्सा है यहाँ पे। और इसको मोस्टली जो यहाँ पे हमने पूछा तो उन्होंने बताया है कि इस चीज़ को वो यूज़ कर रहे हैं, या फिर वगैरह शादी वगैरह के लिए जो बुकिंग्स होती हैं उस पर तो ये कैटरिंग वगैरह का जो है हर एक चीज़ यहाँ पे अरेंज किया जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस चीज़ को इतना बड़ा इसलिए छोड़ा गया है ताकि आप यहाँ पे जितने भी मूवीज़ के लिए जो सेट लगाने होंगे सारे सेट यहीं पे लगाए जाएंगे। ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, हो सकता है कि कैमरा उस तरीके से आपको दिखा ना पा रहा हो, लेकिन ये सेट, ये जो स्पेस है ये काफ़ी बहुत बड़ा है और इसको यूज़ किया जा रहा है, ये यूज़ किया जाएगा सेट लगाने के लिए या फिर ये जो शादी वगैरह में जो कैटरिंग होती है उसके लिए। आपको एक चीज़ बताते चले कि यहाँ पे जो कैटरिंग होगी वो कभी भी नॉनवेज के लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि ये इनकी ब्रांडिंग है कि वसंत पैलेस पे कभी भी नॉनवेज पार्टीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इनकी सबसे ख़ास बात क्या है कि एक इन्हें इनके यहाँ इन्वर्टेड हाउस को बनाया गया, तो चलिए आपको हम वो दिखाते हैं और फिर बताते हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बारीकियाँ थी जो हमने बताने की कोशिश करी है, लेकिन अभी एक अहम हिस्सा जो अभी बाकी है वो है एक इन्वर्टेड हाउस। तो लेके चलते हैं आप सभी को वसंत पैलेस में, जो इन्वर्टेड हाउस है उसको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द इन्वर्टेड हाउस, यहाँ पे काफ़ी बारीकी से इस चीज़ को बनाया गया है, और लिटरली इस चीज़ को स्क्रिप्ट को जो ये जो माइंडसेट है, जो ब्लू प्रिंट है, उसको यहाँ पे ढालना और इस तरीके से बनाना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है इंसान के लिए। और आप देख सकते हैं कि इस वसंत पैलेस का जो एक यूनिकनेस है वो यहाँ पे झलक रहा है, कितना यूनिक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नैनो को काटकर झूला बनाने का प्रोसेस, बीच में जिस तरीके से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं वो बिल्कुल लिटरली किसी न किसी पैलेस को ही दर्शाता है, उसको पैलेस कहना कहीं से भी गलत नहीं है। जिस तरीके से कैंपस है, जिस तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है, और साथ ही साथ ये इन्वर्टेड हाउस का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल अलग है। इन्वर्टेड जो होम है, रूम, आप इसको देख सकते हैं, और वसंत पैलेस की खूबसूरती को बढ़ाता हुआ ये मैंने सोचा था कि आप सभी को बताऊं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार है। चलिए ये जो था वसंत पैलेस, जिस तरीके से फिल्म स्टूडियो बना दिया गया है और ये ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड है, दो चार महीने में बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगेगा। तो ये एक विजिट था इस स्टूडियो का, ये एक फिल्म स्टूडियो जो बन चुका है मुजफ्फरपुर बिहार में। तो चलिए इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो ये वसंत पैलेस का जो टोटल टूर था मैंने आपको करा दिया है, मेरी जो जिम्मेवारी थी वो यहाँ पर समाप्त, अब आपकी जिम्मेवारी आ चुकी है। तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके पक्का जाइएगा। कोई भी अगर सवाल है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।